अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये गन सारा इसीलिए फैला हुआ क्योंकि मैंने कल यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने सोचा जब निकाल ही लिया तो आप लोगों के साथ अपने गाउन्स की कलेक्शन शेयर करती हूँ। इससे तो गाउन्स ब्लैक में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन समटाइम्स मुझे कलर में भी पहनना पसंद है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हैवी गाउन्स नहीं पसंद, इस तरह जिस तरह ये ग्रे है बहुत सिंपल सिंपल से मैं पहनती हूँ, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो यही ठीक है। आजकल ट्रेंड आया हुआ है फिटिंग वाले गाउन्स पहनने का, और मार्केट में अक्सर हमें वो देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल में तो अगर यही करना है तो इंसान को पहनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये वाला गाउन मैंने रिसेंटली मंगवाया दुबई से, मेरी आंटी वहाँ पे रहती हैं तो उन्होंने मुझे ला दिया। और ये बहुत प्यारा गाउन है, एक काफ्तान स्टाइल है और डबल बल्कि ट्रिपल लेयर्ड है। और ये मैं इंशाल्लाह अगर मेरी यूनिवर्सिटी में कोई ओकेजन वगैरह होता है, कोई फंक्शन, तो उसमें पहनूंगी। नॉर्मल डेज में मैं सिंपल ही पहनती हूँ, इतने ज़्यादा हैवी पहनने की मुझे आदत नहीं है। इनका एक और फ़ायदा ये है कि इंसान इस झंझट से बाहर निकल जाता है कि आज कौन से कपड़े पहनूँ। डेली के कपड़े चूज़ करना, उसके बाद उन्हें आयरन करना और फिर सुबह पहनना, ये चीज़ें अजाब लगती हैं मुझे तो। और ये चीज़ें भी देखना कि बाल किस तरह बनानी है, कैसे सेटिंग करनी है, इन सारे झंझट से जान छूट जाती है। इंसान एक अबाया ले प्यारे से और बस पर पहन। पहले तो मुझे लग रहा था मेरे पास पहनने के लिए कोई अबाया नहीं है, फिर मामा ने जब ये सारे ला कर दिए उसके बाद मेरे लिए चूज़ करना मुश्किल हो रहा था कि मैं कौन सा पहनूँ। इसको मैंने बड़े तमीज़ से सोफ़े पर रखा लेकिन इसे इज्जत रास नहीं। फिर मैंने उठा के इसको ऊपर हैंग करना चाहिए, वहाँ पर भी नहीं हो रहा था, और फिर मैंने इसे वापस उस नील पर हैंग कर दिया। और कल मैं ये पहनूँगी। ये रहा मेरा छोटा सा क्यूट सा बैग। बैग फ़िलहाल मैं यही यूज़ करूँगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग डेज है तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे स्नीकर्स का कलर भी मेरे बैग पैक के साथ मैच हो गया, पिंक पिंक। फिर मैंने निकाल लिया बहुत सारी सॉक्स, और इसमें मुझे देख के समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कल कौन सी पहनूं। और फिर मेरी नज़र पड़ी इस पिंक पे, तो मैंने कहा सारा कुछ पिंक पिंक है तो सॉक्स भी मैं पिंक वाली पहन लेती हूँ, तो ये मैंने डिसाइड कर ली। और ये मैं तमीज़ से चीज़ें रखते हुए टड़ा, ये रहा मेरा प्यारा सा स्कार्फ जो मैं कल पहनूंगी। मेरी एक्साइटमेंट है कि मेरे घर वाले कह रहे हैं जैसे ज़िंदगी में बेचारी पहली दफ़ा पढ़ने जा रही। मैंने सोचा अपना बैग पैक भी रेडी कर लूँ ताकि कल जाके मुझे किन्हीं मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो मैंने दो दो पेन रख ली हैं, और उसके बाद अब देखते जाए मैं क्या क्या रखूँगी, पेंसिल भी, बॉल पॉइंट भी, सारा कुछ जिस तरह प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं ना वो रखते हैं चीज़ें, वही सारा कुछ। और मैंने छोटा सा फ्यूम भी रखा है। मैंने सुना था यूनिवर्सिटी में सिर्फ लोग एक बॉल पॉइंट लेकर जाते हैं, और मैंने आज तक बॉल पॉइंट को हाथ भी नहीं लगाया। मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं बचपन से स्कूल टाइम से करती आ रही हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? ये पेन मैंने छुट्टियों से पहले अपनी दोस्त से लिया था आखिरी पेपर वाले दिन, जब मेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी, तो मैंने सोचा ये भी रख लेती हूँ, उस बेचारे को वापस कर दूँगी। और अक्सर क्लास के बाद मेरे सर में बहुत दर्द होता है तो मैं पैनाडोल या पॉन्स्टान ये चीज़ें अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ। और ये रहा मेरा कॉकरोच जिससे मैं सबको डराऊँगी। छोटी बच्ची हो क्या? फिर मैंने रखा अपना क्लच जिसमें बहुत सारा पैसा। ये जो सारी खुशी है ना दो दिन में निकल जाने जब सुबह सुबह उठना पड़ना है मुझे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और ये मेरा बैकपैक हो चुका है रेडी। टड़ा, शदीद गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पानी की बोतल रख दी फ्रीज़र। तभी मेरी नज़र पड़ी अपनी बहन की आइसक्रीम पर, मैंने इसे चोरी करके खा लिया। फिर मैंने लगा ली नेल पेंट, और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।